ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೂಲಭೂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೇ ಬೇಕು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1,100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈಸೂರು ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋರು, ಎನ್ ಆರ್ ಮಾಲ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಆತರ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೂಜಿತಾ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ये हीरा इंडस्ट्रीज जो आपकी है, बिल्कुल इसी खरीब में गारमेंट फैक्ट्री है जी, वहाँ पे कई खवातीन को आपने मिला और आप और आपके साथ साथ अजीत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जयद अकबाल और दीगर तमाम टीम थी जी, आप तमाम को पॉम्पलेट देते हुए तनवीर सेठ की हिमायत की, इसकी वजह बताइए जी. सबसे पहले क्या है कहता हूँ, पहले 5 साल पहले जो तरक्की के जो काम किए हैं लोगों में, आज ये क्या गुमराह बातें चल रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई, नरसिंह राजा कौन सी से में क्या भी डेवलपमेंट नहीं हुआ बता रहे. मैं समझता हूँ हमारे नज़र के सामने जो हमारे यहाँ तिजारतदार जो उनको सहूलत हुई, रोड का काम हो, यूजीडी का काम हो, स्टारम वाटर ड्रेन का काम हो, 7,70,05,00,000 रुपये यहाँ पे दिए और इसके बावजूद जोड़ी तंगी मरा का रोड का काम करे. बहुत सारे इंडस्ट्रीज को तरक्की करने के लिए एक स्पेशली पैकेज दिए और यहाँ की रोजगार को कुछ लोगों के वास्ते सब तरक्की होने के मंसूबे बनाए. ये सब चीज़ें वो काम किए, वो काम के नतीजे से सब आवाम जो है उनको चाहती है, यहाँ के लोगों को भी मालूम है, तिजारत दर यहाँ पे खुश हैं, सब लोग हर तबके के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे अच्छी तिजारत करी, यहाँ से एरिया डेवलपमेंट अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बहुत से काम हुए हैं, बहुत से गारमेंट फैक्ट्री की तरफ से भी बहुत से काम जो पेंडिंग थे वो काम करा के दिए वो लोग से भी. मैं तुम्हारा तनवीर सेठ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात को बोलते हुए यहाँ पे तरक्की के वास्ते रास्ते बना दिए. सर, ऐसा कुछ काम है जो अभी भी बाकी हैं? जी, अभी भी काम बाकी है. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नरसिंह राजा कॉन्स्टिट्यूशन में ले लगाने की वास्ते कोशिश है उनकी, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे तिजारत माहौल आगे बढ़ रहा है. यहाँ अभी ये देखें नरसिंह राजा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बन्नी मंडप इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके बाद आज शांति नगर का रोड देखे, आज तिजारत माहौल बढ़ा है, लोगों में तरक्की भी आई है, बदलाव भी हुआ है, चेंजेस भी सब चीज़ हुआ है. आज राजू नगर में भी जो है वहाँ भी तरक्की का माहौल चल रहा है. ये सब रोडों की वजह, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देने की वजह से सब चीज़ है. एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कॉलेजेस नहीं, स्कूल नहीं, अब गौर करके देखिए शबनम फंक्शनल के बाजू में पीयू कॉलेज भी आई है. गुमराह करने की कोशिशें बहुत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और हमारे शहर में अमन अमान शहर है मैसूर, नरसिंह राजा में सब तबके के लोगों को साथ तनवीर सेठ साहब मिलकर चलते हैं. अच्छा, क्योंकि एक अहम सवाल ये भी है कि आप खरीद में जोबड़ा मकान के सामने यूसुफ का मकान है जी, एक वक्त प्रॉपर्टी है जी, वहाँ का डेवलपमेंट की खातिर आपको जिम्मेदारी दी गई थी जी, वो आखिर आवाम ये जानना चाह रहे हैं कि दीगर जो वक्त प्रॉपर्टी जैसी बेकार पड़ी है जी, क्या ये भी वैसे ही हो जाएगा या आने वाला कुछ मनसूबे हैं इसमें? देखिए, मनसूबे तो अल्लाह के फजल से सब अच्छे हैं, वक्त के अंदर तरक्की ले लगाने वाले यही है जी. जी सर, इंतखाबात के बाद जी आप उनको, क्योंकि हमारे भाई हैं वो जी, उनको मिलकर एक दोस्ताना माहौल में बातचीत करके जी ऐसा काम कीजिए कि तमाम चार भाइयों को फायदा हो. अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा पहले से भी मंसूबा है और हमारे सेठ साहब से मैं राय मशवरा भी किया था. यहाँ पे जो है गुजरी बाजार जो है 74 के अंदर गुजरी बाजार की बुनियादी हुई, जब हमारे दादा नायब सदर बने गुजरी के,
उस वक्त सेठ साहब का पाया, वो इलेक्शन हुआ उसके बाद में वो जो बुनियादी गया वो सिलसिला चलने का आया। आज अल्लाह ताला हमने वो मौका दिया कि यहाँ पे एक अच्छा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना गया। मैं ऑलरेडी उनको प्रोजेक्ट के बारे में प्रपोजल भी देखे, इस तरीके से हमें काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी यहाँ और हमारे खुद आवाम में भी एक अच्छी तरक्की भी आएगी। ये मंसूबा बना के इंशाल्लाह आपसे दुआ भी है, आवाम भी दुआ करें, ये काम जल्द से जल्द होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अडगरा काम बैलेंस था जरा, सेठ साहब मोरिया का काम भी कर को ही, रोड भी गला को ही, अभी वादे कर को ही, जरा अभी करती कर को बोले इंशाल्लाह वो जरा होगा तो हम ना सहूलत होती है। रोड यहाँ से वहाँ तक कोई भी जगह नहीं थे, 20 साल से हमें भी ही यहाँ, 20 साल के बाद रोड ही नहीं था। बस हीरा इंटर मुख्तार भी है ना, उन्होंने कंफर्म करो सबको जमा को, सबको जमा को बुला को रोड दिखा को, सेठ साहब को बोल को भेजे थे। बाद दोनों आको रोड दिन मोहरी का काम करा को देखो ही सहूलत कर को ही। अब आर्च की एक सहूलत है, टिप्पू आर्च के बोल को गए थे उन्होंने 10 साल अव्वल वो बनाना। अच्छा आपने अब तक की फैक्ट्री? हाँ खास हमारी फैक्ट्री से ही है। मैं यहाँ 25 साल से हूँ। 25 साल से हूँ। तो कितने साल पहले रोड आया? रोड पूरे सांपांगा रोड था यहाँ। हाँ। पत्रे सांपा उठते थे, दूरा जाए भी नहीं था। मुख्तार भी बोल को सिद्धरामैया साहब आए थे, सब आ को गए उन्होंने मेन हमना गली के जरा हमारे पुराने आदमी और माए आदमी दोनों मुख्तार भाई उन्होंने जरा बुला ला कर तनवीर सेठ साहब को। दुकान आएंगे मसले क्या भी नहीं, अलग फसल से आए मसले क्या भी वैसा ये नहीं, उनके उन्होंने रोजा कमा लेके जा रहे खास दुकाना वाले ही को भी तो भाड़े खाएंगे जरा आदमी आएंगे। रोड वगैरह का सहूलत है? बहुत अच्छा कर कोई रोड, 10 साल से कोई रोड नहीं डाले थे। वो हमारे मुख्तार भी के बेटे हैं ना, उन्होंने बुला ले का उन्होंने भी है सब जम को खलाटा हमारे साथ भी खलाटा करे नहीं होने का आदमिया सब रोड पड़ा तो सबका ये होगा। मोरिया में अच्छे घर को दिए बहुत अच्छी बात है। अब वो टिप्पू एक आर्च बना दिया ले तो हमारी सर्कल को थोड़ा भारी पड़ता है। नमस्ते। नमस्ते सर। सर इस इलाके में जब भी टिप्पू सर्कल का नाम होता है तो एड्रेस बोलने के लिए लैंडमार्क भावना डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता था, आज भी मशहूर हैं। सर आपका नाम बताएं सर? मेरा नाम अमित है। हाँ सर, आप कितने साल से यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री चल रही है? करीब 30 साल से सर। 30 साल से आपके पिताजी शायद? हाँ सर, हमारे पिताजी। अच्छा सर, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे जनवेंट फैक्ट्री थी यहाँ पे, तो तनवीर सेठ का प्रचार हुआ यहाँ पे एज ए MLA, उनके लोग प्रचार कर रहे थे, इम्तियाज भाई भी मौजूद हैं। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ डेवलपमेंट का लेकर काम हुआ है या नहीं है? डेवलपमेंट हुआ है सर। जी सर, जैसे कि अच्छा रोड बना है जी, रोड बनने से सबको आने जाने के लिए सहूलियत हुआ है जी, बिजनेस को भी सब हेल्प हुआ है। अच्छा। आने जाने के लिए किसी के गाड़ी आना है जाना, पहले रोड थोड़ा खराब था, अभी पूरा अच्छा रोड हो गया, उसके कारण आने जाने के लिए भी सहूलियत होता है और बिजनेस भी डेवलप होता है, सब बिजनेस को हेल्प होता है। अच्छा सर, ऐसा कुछ है जो आप और कुछ काम कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ मसला है सर यहाँ का? दिक्कत कोई नहीं है, और थोड़ा इलेक्ट्रिफिशियन का वायर का कुछ काम अच्छा हो गया जो कंसील्ड हो जाता है तो वो अच्छा रहेगा। हाँ। सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए थोड़ा बाहर रिस्क है। हाँ। अंडरग्राउंड हो गया तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का रोड डेवलपमेंट ठीक है? रोड अच्छा बना हुआ है सर। तो पहले मुश्किल था सर रोड का? पहले 3 साल पहले रोड का हालत बहुत खराब था, कोई भी गाड़ी आना है पार्क होना तो बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा। अभी वो दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। तो पहले रोड डेवलपमेंट के लिए जो UGD के लिए और स्टारा मोटर ड्रोन के लिए और रोड के लिए ये जो है 7.75 करोड़ रुपए के फंड्स दिए इधर यहाँ से CV रोड तक। अच्छा, कब की बात है ये? जो है 2018। अच्छा। जो पिछली मरतबा इलेक्शन में जो है इसका जो काम चल रहा था ये सब भी, आज वो खुशी की बात क्या है यहाँ के तिजारतदारों को ये चीज़ होने से सब लोगों में दुकाने की डिमांड सही और यहाँ सब लोगों को आसानी हुई रास्ता की वजह से, और हर चीज़ जो है एक नए नए शोरूम्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है, तरक्की आ रही है। Oh,
हाँ जैन कम्युनिटी से भैया। सर यहाँ डेवलपमेंट को लेकर बहुत से बातें हैं, डेवलपमेंट भी है, इस हल्के के एमएलए डेवलपमेंट काम बिल्कुल लेकर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे सर? सब आपके नजरों से देख सकते हैं, रोड में पहले एक दुकान नहीं था, यहाँ चलने के लिए बारिश में आने के जैसा नहीं था, आज आराम से देखो 20-30 फीट का रोड है और कितने दुकान हो के आप ही बोल सकते हैं डेवलपमेंट कैसा हुआ करके। एक राउंड मारे तो मालूम पड़ता है डेवलपमेंट कितना हुआ, कितनी दुकानें आई है इधर, बहुत अच्छा हो के। कुछ काम है जो आपने कहा हो और एमएलए ना किया हो? ऐसा कोई काम ऐसा तो हमारे नजर में नहीं है साहब के, नहीं हो रहा है। 40 साल लगा लेकिन रोड आया, लेकिन रोड आया, डांबर रोड आया, देर आया, दुरुस्त आया, लेकिन रोड आया सब। सर ऐसे कुछ काम है जो आप करवाना चाहते हैं आइंदा दिनों में? कुछ भी नहीं सर, मोरी जो है वो सब क्लीन रहे तो अच्छा, सब रेन वाटर से हिसाब से तकलीफ नहीं होना लोगों को। एज फॉर एज कंसर्न बिजनेस कैसे है सर आपका यहाँ पे? बिजनेस छोड़ो साहब, चलता है अल्लाह के फजल से चलते रहता है, अप डाउन होना चाहिए। आने जाने के लिए सहूलत? हाँ सहूलत है साहब, ग्राफ कभी भी एक तरफ का अच्छा दिखता नहीं, नीचे आना ऊपर जाना कभी भी। हर एक गुजरने वाली खातून को कांग्रेस की हिमायत में परिचय दे रहे थे, क्या बोले आप, उन्होंने क्या बोल रही है? हमें कांग्रेस के वोट करते हैं सब, उनको हर औरत जो 5,000 आदमियाँ चिल्ला रही हैं यहाँ काम ड्यूटी कर रही हैं उनसे तमाम से पूछे हमें कैनवास करने के बाद हमें कांग्रेस कुछ डालते हैं सब, कांग्रेस कुछ कौन क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ करते हैं बोल रही हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ उनके, इसके अंदाजे में हमें खुद मालूम हो रहा है कि उन्होंने कांग्रेस कुछ वोट करते हैं बोल रहा हूँ। उनकी बातचीत और उनका अंदाजा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा दिशा, और बोलने का भी ढंग उनका अच्छा था। मैं कांग्रेस कुछ करती हूँ, हमें दूसरे किसी भी करते नहीं, कौन क्या बोला, मैं कांग्रेस को वोट करती हूँ बोले। गारंटी कार्ड के बारे में बोले क्या? मैं गारंटी कार्ड बोले ऐसा 5 जो हमारी गवर्नमेंट आने से तुम्हारा बेनिफिट होता, आज तुम्हें काम आकर 2,000 रुपया तुम्हारा बेनिफिट होता है सब होता, क्या भी करे नहीं गिले करे। अब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बैठ मन करती है, जो बीजेपी बैठ को जो काम करी है इतना जो रेट बढ़ा को वो बीजेपी, आने वाले दिनों में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है तो तुम्हारा 2,000 रुपये घर को 10 kg चावल ये सब चीज़ आप बोले उनको, उनके जहन में गया गारंटी कार्ड हम भी देखो ही उनको जर को दिखा को इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। अच्छा 2 दिन पहले आपकी रिसेट ब्लॉक कमेटी आपकी सदारत में आपके एरिया से एक बहुत बड़ा जलसा जुलूस निकला था, उसके बाद कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है आप? माशाल्लाह हमारे 17 नंबर वार्ड नंबर में 11,000 चिल्ला रोड है, जितनी तो गारंटी देते हैं मैं, हमने 9,000 या 8,000 की उम्मीद है, 100% वोट मिलती है हमारा, वोटर्स हम नाकाम भी छोड़ को जाको नहीं, तुम्हें बोले तो भी तुम ना चलती सर, तुम्हें नहीं बोले तो भी कांग्रेस कुछ करते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर, वैसा हमारे ऊपर तवज्जा दिया हमारे मोहल्ले वाले, बहुत खुशी हुई। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि अच्छा वोट मिलता हम नहीं दिया। सुनकर खामोश बैठ गए या मेहनत कर रहे? नहीं नहीं हमें हर देखो अब काम होते गए मान, उसके बाद कैनवास करिए, हमें डोर टू डोर कैनवास करिए, आज ये करिए, आज पूरा एरिया करते, उसके बाद सी लेवेट ए लेवेट सेकेंड ईदगाह सी वी रोड बंदी मटर हमारा जितना वार्ड नंबर 17 के अंदर कहाँ कहाँ बैलेंस है, एक बार हमें रोड रैली निकाली सो, अब उनके घर घर को जाओगे वोट पूछती उनके पास से, वोट पूछ कर सामने हमें क्या करना आगे वो भी काम करते हैं इंशाल्लाह।